फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर इस सिस्टम में HIO4 क्लीवेज करेगा और क्लीवेज के प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। दिए गए सिस्टम में जब हम HIO4 से ट्रीट कराएंगे तो CHO और CHOH के बीच में यहां पर पहली बार बॉन्ड ब्रेक होगा और जो हमारा ऊपर का ग्रुप है COH, इससे एक OH अटैच हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए हम कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करते हैं और दोनों सिस्टम को OH प्रोवाइड करते हैं। तो पहले CHO और CHOH के बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ, C डबल बॉन्ड OH के साथ एक OH आ गया, ये पहला प्रोडक्ट मिला। दूसरा वाला जो कार्बन है इसमें OH ऑलरेडी था, ब्रेक हुआ तो एक OH ऊपर वाले की तरफ से और नीचे से भी एक ब्रेक होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो यहां एक OH और आ जाएगा। आपको पता है एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, यहां तीन OH हैं, वाटर इलिमिनेट हो जाएगा और ये एसिड में बदल जाएगा। तो ये बीच वाला जो कार्बन है हमारा ये एसिड में बदल जाएगा, तो ये HCOOH हो जाएगा। अब ये जो तीसरा वाला सिस्टम है, अगेन ये भी टूट रहा है ऊपर और नीचे से, तो इसमें भी सिमिलरली कार्बन और OH के अलावा दो OH और अटैच हो जाएंगे और यह भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट वाला भी कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप में भी हम एक OH अटैच करेंगे और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एसिड में कन्वर्ट हुआ, जो सेकेंड पार्ट है ये भी एसिड में कन्वर्ट हुआ, जो थर्ड पार्ट है ये भी एसिड में कन्वर्ट हुआ, जो फोर्थ पार्ट है ये भी एसिड में कन्वर्ट हुआ।